हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे आपके एक फ़ोटो से बहुत सारा इफेक्ट दे सकते हैं, लाइक सिनेमाग्राफ इफेक्ट, पैरालैक्स इफेक्ट, साउंड एंड ओवरले इफेक्ट। जय जगन्नाथ गाइस, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे मोबाइल से आप कैसे 3 ऐप के जरिए आप एक फ़ोटो को लाइव कर सकते हैं। पहले हम पिक्सआर्ट ओपन करना है और देना है हमको ओरिजिनल कंटेंट, देन उसके बाद सिनेमाग्राफ इफेक्ट ऐड करना है और उसके बाद थोड़ा बैकग्राउंड को कट करके उसमें डालना है। सेकेंडली हमको जाना है पिक्सल लूप ऐप में और एनिमेटेड करना है थोड़ा सा। देन हमको लास्टली जाना है काइनमास्टर में और वहाँ पर साउंड एंड पैरालैक्स इफेक्ट दे के कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसलिए पहले हमको ओपन कर लेना है पिक्सआर्ट। तो उसमें हमको जो भी फ़ोटो को लाइव देना है, तो जैसे कि मैं एक वाटरफॉल वाला इमेज को डाउनलोड करके रखा हूँ पहले से, तो उसको पहले हम ले लेते हैं। देन उसके बाद उसको हम क्रॉप कर लेते हैं। तो क्रॉप करने के लिए मैं देता हूँ स्क्वायर साइज, जैसे कि ये इंस्टाग्राम का है 1:1 रेशियो वाला, मैं इंस्टाग्राम को उसको पोस्ट करने वाला हूँ इसलिए मैं स्क्वायर साइज दे देता हूँ। देन ये अभी ये वाटर फॉल का जो इमेज है वो अभी क्रॉप हो गया। तो उसके बाद हमको जाना है टूल्स पे, देन जाना है क्लोन पे। क्लोन पे हमको ये करना है कि ये जो है ये ब्रश है और ये जो है इरेजर है। तो हमको क्या करना है, जो ब्रश के माध्यम से हमको उसको ड्रैग कर ये और सैचुरेटेड तरीके से हमको दिखने लगेंगे। तो जैसे मैं उसको कर देता हूँ थोड़ा सा क्लोन कर देता हूँ, देन ब्रश के माध्यम से मैं थोड़ा उसको भी और थोड़ा सैचुरेटेड कर देता हूँ। तो अभी फिलहाल ये हो गया काम, तो उसको हम कर देंगे अभी सेव। देन हमें जाना है मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल में दोबारा, क्योंकि मुझे एक पिक को स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे कि मैं एक नहाने वाला पिक को ले रहा हूँ, तो उसको मैं वहाँ पे अटैच करना है और उसको वीडियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले मैं उसको पिक्सआर्ट में ओपन कर दूंगा, देन उसके बाद उसको क्रॉप करके उसको थोड़ा सा रिसाइज कर दूंगा, जैसे कि मैं कट कर सकता हूँ आराम से। देन हम जाएंगे कटआउट का टूल में और देन उसको आउटलाइन के जरिए उसको कर देंगे हम एक स्टिकर बना देंगे, जैसे मैं ये प्रोसेस में कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। कटआउट करने के बाद भी थोड़ा रह गया, तो मैं अभी साइज को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, जैसे कि 26, और उसको मैं सही तरीके से अभी इरेज हमको करना है। ठीक है, जैसे कि ये जो लाल वाला पार्ट वो बॉडी के साथ रहे और बाकी के पार्ट हमको देख के आराम से इरेज करना है। तो सिर्फ हमको ये जो पर्सन है तो उसको ही लेना है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा कर देता हूँ, तो बाकी इसको हम कर देंगे सेफ। देन ये पिक्सआर्ट का जो काम है वो ख़त्म हो गया। तो अभी हमको जाना है पिक्सआर्ट लुक में, अभी हमको ओपन करना है जो हम वाटरफॉल का इमेज एडिट किए थे, तो उसको हमको करना है एनिमेट। तो एनिमेशन करने के लिए हमको जाना है पाथ पे। तो पाथ पे हमको ऐसे कि जैसे कि जिस फ्लो में वाटर का फ्लो होना चाहिए, तो उस फ्लो में हमको ये ले लेना चाहिए, क्योंकि वाटर का फॉल ऊपर से नीचे आता है, तो इसीलिए हमको इसको एनिमेटेड करना है।
तो जब से हम प्ले कर देंगे तो वो आप देख सकते हैं कि वाटर प्रूफ होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो साइड में जो ग्रीन ग्रास का है तो वो भी अभी थोड़ा बहुत हिल रहा है। तो उसका मतलब ये है कि वाटरफॉल के साथ साथ ये भी हिल रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जो एंकर का ऑप्शन है वो मैं लेता हूँ अभी। तो जैसे मैं अभी ड्रैग करके ऊपर से नीचे तक उसको कर देता हूँ, क्योंकि जो पर्सन मैं एंकर का एरिया को कवर कर दूँगा वही पर्सन से वो जब हम एनिमेशन करेंगे तो वो पर्सन से वाटरफॉल होगा। और हम थोड़ा अभी स्पीड को बढ़ा देंगे, स्पीड को एडजस्ट करेंगे, जो भी स्पीड आपको सही लगा तो आप उसको ही दे देंगे। जैसे कि मैं अभी देता हूँ लगभग 70 के आसपास, और उसको प्ले करके आप देख सकते हैं कि जो साइड वाला पहले से जो वो हलचल हो रहा था अभी वो सिर्फ वाटर फॉलिंग हो रहा है। तो अभी ये पिक्सल लुक आपके जरिए में हम उसको आराम से कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो 77 मैंने दे दिया तो उसके जरिए ये सही हो गया। तो अभी क्या करना है, अभी ये वीडियो को हम 1:1 रेशियो में रखना है, क्योंकि मैं इसको ये इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए सही वाला रेशियो है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी हम उसको ड्यूरेशन दे देंगे, मैं दे दूंगा उसको 24 सेकेंड। आपके हिसाब से आप दे सकते हैं, जितने मिनट के वीडियो आपको चाहिए तो आप उतने मिनट के लिए, मिनट या उतने सेकंड के लिए आप उसको एडजस्ट करके दे सकते हैं। तो अभी हम कर देंगे उसको एक्सपोर्ट, तो अभी ये हो जाएगा सेव हमारे गैलरी में। देन ये एक्सपोर्ट होने के बाद हमें हमारा काइन मास्टर ओपन कर लेना है, और काइन मास्टर में जाने के बाद हमको इसको 1:1 जो स्केल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन मीडिया में जाके हमें जो वाटर का एनिमेटेड जो पिक्सल लुक में जो किए थे तो उसको हमको अभी ले आना है यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि पिक्सल लुक में ये वाटर फॉर एनिमेटेड हो गया था, तो अभी वो फोटो कैसे दिख रहा है कि जैसे कि वाटरफॉल रियली हो रहा है। तो अभी हमें काइन मास्टर के जरिए और कुछ काम करना बाकी रह गया। देन हमें जाना है मीडिया पे, और ये जो मिडिल वाला ऑप्शन है ट्रिम के साइड में उसमें क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन में आपको एडजस्ट करना है, अगर आपको ये इमेज थोड़ा जूम वाला चाहिए तो आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि ये वीडियो में थोड़ा जूम हो के आ जाए। और एंड पोजीशन में भी आपको जाके जितना आप एडजस्ट करके आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हो गया, देन हमको उसको प्ले करके एक बार देख लेना है कि ये सही है या नहीं। अभी ये बिल्कुल सही है। अभी हमें जाना है लेयर पे, और लेयर पे जाने के बाद जो पिक्सआर्ट में जो मेरा पिक्स मैंने कटआउट किया था एडिट करके, तो उसको हमको सेट करना है जैसे कि वो सामने वाला को बिल्कुल रियल लगे। तो हमें उसको इसी तरीके से एडजस्ट करना है कि जैसे वो वाटरफॉल जब हो रहा है ना, तो जैसे कि वो पर्सन के ऊपर वो वाटरफॉल हो रहा है। तो आपको ऐसे ही सेट करना है, मैं तो अभी ऑलरेडी सेट कर दिया। तभी आपको उसको पूरा ड्रैग करके आप दे देंगे जो साइड में है वो पूरा इमेज में, जैसे वीडियो में वो हो जाएगा, फिट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको जाना है एनिमेशन पे। एनिमेशन में जाने के लिए लेफ्ट साइड कॉर्नर में जो एक बटन है उसको क्लिक कर दीजिए आप, देन आ जाएगा एनिमेशन। देन उसके बाद आपको थोड़ा सा वो फोटो को आप पकड़ के जूम करते रहेंगे, और उसके बाद जो है आप एनिमेशन का जो प्लस आइकन है तो आप उसको क्लिक करते रहेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस आप कंटिन्यूसली अगर करते रहेंगे तो ये एनिमेशन जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा एनिमेशन के बाद ये फोटो जितना आप वीडियो चलते रहेगा तो वो जूम होते रहेगा।
तो आप ऐसे ही उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो प्लस माइनस सिंबल है तो आप उसको अगर करेंगे तो आपके हिसाब से जो भी सही लगेगा तो आप उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए। अभी जो ये हम स्केल डाउन किया जो स्टिकर को, मतलब मेरा इमेज को, तो ये होता है इफेक्ट पैरेलैक्स। तो ये अभी हमारा इफेक्ट पैरेलैक्स कंप्लीट हो चुका है। ऑलरेडी आप पैरेलैक्स इफेक्ट दे दिए लेकिन वो फिर भी अभी थोड़ा जीवंत नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक साउंड हमको चूज करना है, जैसे कि हमको वाटर साउंड चूज करना है। जब आपका 80% काम कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हमको सर्च करना है वाटरफॉल साउंड इफेक्ट, जो साउंड है तो हमको डाउनलोड करना है। आप यूट्यूब से या आपका इंटरनेट से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं तो पहले से ही डाउनलोड करके रखा। देन हमें जाना है हमारा डाउनलोड सेक्शन में, और जो मैं डाउनलोड करके रखा हूँ उसको अभी हमें सिलेक्ट कर देना है। तो अभी मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मुझे अभी फॉग इफेक्ट ऐड करना है, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा ऊपर जो फॉग इफेक्ट ऐड करने के बाद वो और अच्छा लगेगा। आप बाद में देख सकते हैं अगर वीडियो को पूरा देखें यूट्यूब में, और हम ग्रीन स्क्रीन फॉग इफेक्ट या ग्रीन टेम्पलेट फॉग इफेक्ट हमको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैं कोई भी एक डाउनलोड कर लेता हूँ, तो मैं ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, तो वो तो आपको पता है जैसे हम यूट्यूब लिंक को कैसे डाउनलोड करते हैं डायरेक्टली गूगल क्रोम में जाके, तो मैं अभी डाउनलोड कर दिया। फिर हमको जाना है मीडिया सेक्शन में, तो अभी हमें उसको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप ग्रीन स्क्रीन को डाउनलोड करके रखा हूँ। देन जाना है क्रोमा की, क्रोमा की को कर देना है एनेबल। एनेबल करने के बाद आपको उसको करना है थोड़ा सा एडजस्ट, जैसे कि मैं उसको रखता हूँ अभी राइट साइड को 28 में और लेफ्ट साइड को 64 में, तो ये अप्रोक्सीमेटली 28 या 27 में मैं रख लेता हूँ, क्योंकि वो अभी व्हाइट दिख रहा है। तो अभी सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए हमको जाना है एडजस्टमेंट में, और जो सैचुरेशन को हम कर देंगे -255, मतलब पूरा नीचे रख देंगे, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ डन। देन उसके बाद जो ये फॉग वाला आ गया, आप देख सकते हैं जो फॉग वाला वीडियो है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो उसको थोड़ा सा कर देंगे ऊपर, जैसे कि जो वाटरफॉल का जो ऊपर का पार्ट है, जैसे कि वो मैं प्ले करूँगा तो वो थोड़ा सा हिलने लगेगा और थोड़ा लाइव लगेगा, थोड़ा जीवन दिखने के लिए मैं ये फॉग इफेक्ट को ऐड किया है, नहीं तो आप ऐड भी नहीं कर सकते। तो आप देख सकते मेरा वीडियो यहाँ पे जो मैंने एनिमेटेड किया था तो वो 24 सेकंड का है, इसलिए मुझे ये डुप्लीकेट कर लेना है। जैसे लेफ्ट साइड करना मैं गया और डुप्लीकेट में क्लिक किया तो वो डुप्लीकेट आ गया। फाइनली हमको वीडियो को प्ले करके दोबारा देख लेना है। तीनों काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तीन एप्लीकेशन के जरिए, तो हमको उसको कर लेना है जो लेफ्ट साइड में शेयर का बटन है उसको कर देना है क्लिक। देन हमें उसको जो भी क्वालिटी में सेव करना है, मैं सिलेक्ट करना है 40p और 30 फ्रेम रेट में, तो उसको करता हूँ अभी एक्सपोर्ट। तो अभी ये हो जाएगा सेव। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।